अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये है रात का क्लिप। रात को हम लोगों ने डिनर नहीं किया था, तो हमने विंग्स मंगवा लिए थे फूड पांडा से। और ये जो आपको दो बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली डील थी। तो वैसे तो हमने एक ही पी थी, और विंग्स इतने बेकार थे, इतने फीके से थे। मेरा तो ख्याल है इन्होंने सॉल्ट तक नहीं इसके अंदर ऐड किया था, बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग आप सबको, तो जुमा मुबारक। साथ साथ में आज जुमे का व्लॉग है, और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। आज ब्रेकफास्ट में मैं खाऊंगी क्या, एक मैंने कर लिया है एग बॉयल, साथ में हाफ कप चाय, और शुगर नहीं डाली, स्टीविया डाली है, और ये रही फुजैल की चाय। फुजैल खाएंगे बस इतनी सी ब्रेड के साथ ये एक एग, और मैं ये खाऊंगी। और ये हमने जो रात को विंग्स मंगवाए थे, तो ये विंग्स जो हैं ये बच गए थे, तो ये हम थोड़े थोड़े से साथ खा लेंगे। तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, और बच्चों ने खाना खा लिया, सारी कैट्स को खाना खिला दिया हुआ है। मीनू अब ये लोग एग वगैरह मांग रहे हैं, और आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कि एग कैट को खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते। तो आप जो कुक एग होता है ना, एग होता है, चाहे आप बॉईल करें चाहे आप इस तरह से कुक करें, वैसे ऐसे तो ये नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें ऑयल होता है, ये हार्मफुल है। हाँ, ये नहीं देना चाहिए। वैसे भी हाफ फ्राई होता है, आप बॉइल्ड एग जो होता है ना वो अपनी कैट को कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन कुक करके सर्दियों में वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी कैट की डाइट अच्छी रख रहे हैं ना, तो फिर आपको इसको देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल भी ना दें। और रॉ एग बिल्कुल नहीं देना। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है कि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं कच्चे अंडे में, और वो बैक्टीरिया जो है वो इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं, तो सोचें कैट्स के लिए कितने हार्मफुल होंगे। उसका साइड इफेक्ट हमें जाके 4-5 साल बाद पता चलता है, नहीं कुछ कभी कभी तो फौरन भी पता चल जाता है। तो इसलिए आप रॉ एग को अवॉइड करें। लोग अक्सर फीड का भी सवाल करते हैं, फ्लफी फीड देते हैं, कुछ लोग फीड देते हैं। फ्लफी फीड जो लोग दे रहे हैं ना, मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि हम तो काफी टाइम से खिला रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, फ्लफी फीड का आपको 2-3 साल के बाद या कुछ सालों के बाद आपके कैट को जब किडनी इश्यूज होंगे आपको तब पता चलेगा। ना मेओ अच्छी है ना फ्लफी अच्छी है, बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना दें। किडनी इशू, यूटीआई के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, और फीमेल कैट तो फिर भी किसी तरह से ठीक हो जाती है, मेल कैट तो सर्वाइव ही नहीं करता। जो लोग देते हैं उनको ना 4-5 साल बाद पता चलता है कि हमने गलती की है, उनकी कैट इतना साल जिंदा ही नहीं रह सकती। नहीं रह सकती, किडनी इश्यूज हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कैट की उम्र 5 साल होती है, वो ये चीजें देने की वजह से उसकी उम्र 5 साल रह जाती है। किडनी स्टोन्स वगैरह का इशू इसी वजह से ही होता है कि आप डाइट अच्छी नहीं दे रहे होते हैं हम लोगों। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से अब अपने कपड़े आयरन करने लग गई थी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ना हर काम कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हो जाए, जुमे की नमाज से पहले पहले हो जाए ताकि टाइम सेव हो सके। और मैंने अभी जाना था, मंडी भी जाना था फुजैल के साथ, सब्जियां लेकर आनी थी, सब कुछ ख़त्म हो रहा था, मैंने आपको कल भी बताया था ना। तो सब्जी लेकर आनी है और पूरे वीक की ही लेकर आऊँगी, तो बस मैं जल्दी जल्दी कपड़े आयरन कर रही हूँ और फिर हम लोग जाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि फ्राइडे की नमाज से पहले पहले, जुमा नमाज से पहले पहले हम माशाल्लाह टोनी को देखें, माशाल्लाह इतना स्ट्रांग बच्चा है। वैक्सीनेशन के बाद ना बच्चे बीमार हो जाते हैं, लेकिन टोनी नहीं हुआ है ना। टोनी मेरा स्ट्रांग बेबी, टोनी किच्ची तो किच्ची, मजा आ गया, बहुत प्यारा बच्चा है। सारे माशाल्लाह खाना खा के इजीली बैठे हैं, और ये जुम्मे की तैयारी हो रही है।
अभी हम सब्जी लेने जाएंगे जुम्मा पढ़ने से पहले, वो भी आपको दिखाएंगे व्लॉग में। हम लोग जा रहे हैं मंडी सब्जी लेने, और फिर उसके बाद जब तक आएंगे तो जुम्मे का टाइम हो जाएगा। अब दो चार दिन ना हमने कोई दालें शाले खानी है, सब्जियां खानी है, इस तरह की डील्स विंग्स खा खा के थक गए हैं, चिकन खा खा के। तो खाना ही नहीं दिया, दे दो ना, जब तक मैं तैयार हूँगी आप सभी को खाना खिला दो। ये क्या पी रही हो? मेडिसिन खाने लगी हैं। ये देखें जी, बेबी ऐसे सो रहे हैं, और वो देखें वो सोफे को ना ऐसी सारा सोफा मारा इन्होंने, बर्बाद कर दिया, वो फाड़े जा रहा है सुलेमान, सुल्तान है बल्कि। ये देखें कैसे फाड़ेगा, नोचेगा सोफे को, इसी तरह ने इन्होंने सोफा बर्बाद कर दिया सुलेमान। अब इस पर हम नई कोशिश करवाएंगे कि, और वेलवेट की कोशिश करवाएंगे, वेलवेट को ये नहीं फाड़ते, कपड़े को ये बिल्कुल तबाह कर देते हैं। ये स्कूबी का भी चिकन रेडी हो गया है, अभी हम स्कूबी को देखिएगा, बाहर बुलाएंगे स्कूबी, कितनी तेज़ी से भागता हुआ आएगा। ये यकन और बोनलेस चिकन है इसमें, ये मुझे पता नहीं क्या हो गया है, ये चिकन है और साथ सूप है, बोनलेस चिकन है, बेहतरीन है ये कैट्स के लिए, बहुत अच्छी। अगर आप उनको प्रोटीन देना चाहते हैं तो आप ये दें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, और इसे कैट की फर भी जो है ना बहुत अच्छी होती है, बाल भी कम से कम गिरते हैं, और किसी विटामिन की आपको इसके साथ ज़रूरत नहीं है देने की, ये खुद ही इसमें सब कुछ है, प्रोटीन जो है ना बेसिकली, उसके साथ कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा स्कूबी, ये आ गया स्कूबी, देखें इतनी सारी कैट्स में से स्कूबी ही अकेला आया भागता हुआ, अब ये चिकन खाएगा, खा लो। नहीं नहीं नहीं, छोटे बच्चे नहीं खाएंगे, ये भी इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना, क्रेजी है चिकन के लिए, अभी सोया हुआ था तो चिकन के लिए मैंने उठाया, बच्चे हैं ना तो इनका मुँह गंदा हो जाता है, इनको भी, इनको मैंने दे दिया चिकन, इनको ज़्यादा नहीं देना ज़्यादा मिकदार में, फिर ये बीमार हो जाएंगे। और अब हम लोग आ चुके हैं मंडी, और यहाँ पर ना जल्दी आओ ना तो आपको बड़ी फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है, और बड़ी ही फ्रेश थी, तो मैंने गोभी भी ली है, बैंगन लिए, शलजम थोड़े से लिए, फुजैल को बहुत पसंद है, मैं इतने ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी थी तो मैंने इतनी ले ली थी कि पूरा वीक जो है ना हम लोगों का चल जाएगा। और बैंगन के मैं दही वाले बैंगन बनाती हूँ, और बैंगन का भरता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब तो सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो चुकी है, जो चीज़ पूछो इतनी महंगी, टमाटर 300 रुपये किलो मिले हैं, लेकिन थे बिल्कुल फ्रेश थे, और हमने कुछ फ्रूट्स भी ले लिए थे, तो अब मेरा इंशाल्लाह ये मेरा सब कुछ जो है ना मेरा 1 वीक तक चल ही जाएगा। मुझे ना वो चीज़ नहीं अच्छी लगती कि आप डेली डेली ना चीज़ें मंगवा रहे हो, मैं कहती हूँ एक साथ चीज़ आनी चाहिए। तो बस अब मैं घर आते ही सबसे पहले तो मैंने ना सब्जियों को यहाँ से उठा लिया था, और फ्रिज में बास्केट में डाल के मैं रखती जा रही थी, लेकिन फिर मैंने इनको वॉश भी किया था, जो कटिंग करके रखने वाली थी वो कटिंग की, पूरा अच्छी तरह से अरेंज करके मैंने रखा है सब्जियों को, और वो मैंने किस तरह से किया था वो अगर आपने देखना है तो वो मैं डिटेल आपको आपके साथ अपने दूसरे चैनल पर शेयर करूँगी, रिदा फुजैल ब्लॉग्स पे, कि मैंने सब्जियों को कैसे संभाला है। अभी तो बस मैं बास्केट्स में निकाल रही हूँ, शॉपर्स से निकाल रही हूँ, फिर इनको वॉश करना, अरेंज करना, हरा धनिया मैं कैसे अरेंज करती हूँ, हर चीज़ मैंने वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी है, और मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। ये मेरा 1 वीक का सामान तो आ चुका है, और कल मैंने उसके ऊपर अपना एक और ब्लॉग भी शेयर किया था, जो मैं मार्केट गई थी उसका ब्लॉग शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप रिदा फुजैल ब्लॉग्स पे जाके देख सकते हैं। और ये है फ्रिज की ड्रॉअर, जिसमें भी मैं सब्जियां निकाल के रख रही हूँ, मैं आलू भी फ्रिज में ही रखती होती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना 2 ही लोग हैं तो हम इतना ज़्यादा नहीं खाते। ये 2 किलो आलू लाई थी, और प्याज भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मैं बाहर रखूँ तो हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, वो फिर ख़राब हो जाता है। बस धनिया भी बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश था, इसको भी मैं सारा संभाल लूँगी, धनिए को मैं कैसे संभालती हूँ सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में। ये देखिए दोनों बाप भी यहाँ से खड़े होकर बाहर सनी को देख रहे हैं। बिल्लू ये क्या कर रहे हो? सब्जी वगैरह संभाल के तो अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में मैं आज बना रही थी भुनी हुई अरबियाँ, मतलब के
जो वैसे तो लोग शोरबे वाली बनाते हैं, हम भी शोरबे वाली बनाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी ड्राई ड्राई बनाऊंगी, ग्रेवी टाइप बनाऊंगी, और इसकी रेसिपी भी आपको रिदा फुदैल ब्लॉग्स पे मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। और मेरे उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे भी जो न्यू आ रहे हैं आप लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ सारा दिन, और फिर दोनों चैनल्स पर मैं ब्लॉग्स डालती हूँ, तो आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे उस चैनल को। तो यहाँ पे सालन रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े की इस तरह से अरवियाँ बन जाती हैं। मोनी का स्टाइल देखें दूध पीने का, ये जोए बैठी हुई है और मोनी कैसे ऊपर से आके दूध पी रही है। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक फीड करते हैं बच्चे। मोनी नहीं जी, उसने अब मुझे लिफ्ट भी नहीं करवानी है। देखें जरा जिगी को मेरी गोद में, हर वक्त मेरी गोद में कोई ना कोई बच्चा चढ़ा ही रहता है। आपको पता है जब मैं मॉपिंग कर रही होती हूँ, सफाई कर रही होती हूँ ना, तब भी कोई ना कोई मेरी गोद में होता है और मैं एक हाथ से काम कर रही होती हूँ। इनकी आदतें ऐसी हैं कि हमें बस उठा लो। तो बस जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।